भारत की विदेश नीति इस समय अपने गोल्डन पीरियड में है। आज भारत G20 का अध्यक्ष है। भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। अफ्रीकी यूनियन को G20 में परमानेंट मेंबर बनाकर भारत ने अफ्रीकी महाद्वीप में जो अपनी पैठ बनाई है उसको वर्तमान में कोई देश टक्कर नहीं दे सकता। रशिया यूक्रेन युद्ध में जहां पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, वहीं भारत ने दोनों ही ध्रुवों के बीच में बैलेंस बनाने का काम किया है। भारत रूस के साथ भी है तो पश्चिमी ताकतों के साथ भी। G20 में भारत ने जो कूटनीति का परिचय दिया है उसमें तो यह साफ हो गया है कि भारत अब विश्व मित्र बन गया है। क्वाड का मेंबर बनकर भारत एक तरफ जहां अमेरिका का सबसे बड़ा साथी है, तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से व्यापार यानी तेल की खरीद करके वर्षों के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहा है। चीन से एक तरफ जहां सीमा का विवाद है, तो वहीं यूएनएसए में भारत स्थायी सदस्य के रूप में सबसे बड़ा दावेदार बनकर उभरा है। इस समय भारत की नीति विश्व में सबसे विश्वसनीय मित्र राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आई है, जिसका मकसद किसी के साथ दुश्मनी नहीं आर्थिक मोर्चे पर व्यापार करना है, जिसका उद्देश्य विश्व में सबको साथ लेकर चलना है। इसीलिए G20 की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। साथ ही ये सभी तीन सिद्धांत जिस एक मूल मंत्र से हैं, वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये पूरा विश्व एक परिवार है। ऐसे सिद्धांतों के साथ भारत गुरु के रूप में कोई लीडर नहीं बल्कि मित्र के रूप में सबको साथ लेकर चलना चाहता है। इन्हीं सभी के चलते यूएन में अब अपने भाषण के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के बारे में बोलते हुए कहा कि भारत विविध साझेदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। गुटनिरपेक्षता के युग से अब हम विश्व मित्र के युग में विकसित हो गए हैं, जो दुनिया के लिए एक मित्र है। उन्होंने अपने 17 मिनट से अधिक समय के संबोधन की शुरुआत हाथ जोड़कर भारत की ओर से नमस्ते कहकर की। उन्होंने भाषण के अंत में कहा कि मैं उस समाज के लिए बोल रहा हूँ जहाँ लोकतंत्र की प्राचीन परंपराओं ने गहरी आधुनिक जड़ें जमा ली है। परिणाम स्वरूप हमारी सोच, प्रयास और कार्य अब अधिक जमीनी और प्रमाणिक है। आपको क्या लगता है कि भारत आज जो विश्व गुरु बनकर सामने आएगा या विश्व मित्र बनकर भारत आगे बढ़ेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि भारत आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में जो जियोपॉलिटिकल अपडेट्स और फेरबदल होंगे उसमें किस तरह की भूमिका अदा करने वाला है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया रशिया यूक्रेन युद्ध में बढ़ चुकी है, वहीं भारत दोनों के बीच में बैलेंस का काम कर रहा है। भारत अपनी रक्षा भी कर रहा है और दूसरों के हितों की आवाज भी उठा रहा है। इस वक्त अफ्रीकी जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप जो अफ्रीकी महाद्वीप है, उसके अंदर आने वाले तमाम देशों की आवाज भारत बन रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बन रहा है। विकासशील देशों की आवाज भारत बन रहा है। तो ऐसे में कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत अब इस स्थिति में है कि वो विश्व मित्र बनकर उभरा है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा इस टॉपिक के ऊपर। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।